प्यारे दर्शकों, इस भक्तिमय कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रति वर्ष आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब पहली तिथि से लेकर नौमी तिथि तक का पूरे देश में भक्तिमय वातावरण छा जाता है। माँ का आगमन होता है, माँ का प्रवेश होता है और माता दुर्गा की पूजा में हम लग जाते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और घर घर में कलश स्थापना होती है, मंदिरों को सजाया जाता है, कथा में भाग लेने का मौका मिलता है और माता की हम आरती उतारते हैं। तो उसी अवसर पर एक बार फिर से आज हमको ये मौका मिला है उसकी कथा में भाग लेने के लिए, उनका हम स्वागत करने के लिए। आज MBC की ओर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष और खास कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान है जागृति सोशल एंड कल्चरल सर्कल के भक्तगण, जो आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में सैंखवा से और आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे भजन सुनाने वाले हैं। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि चलिए आप लोगों को इतिहास में ले जाते हैं। जब हमारे पूर्वज, हमारे परदादे मॉरिशस में आए थे, तो किस तरह से अपनी भाषा लेकर अपने वेशभूषा में आए थे, उसी अंदाज में आज के हमारे मेहमान आप लोगों को प्यारे भजन सुनाने वाले हैं, वो भी भोजपुरी भाषा में। कहते हैं ना कि माँ को देवी का रूप दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है और भोजपुरी भाषा में देवी को देवी कहते हैं। तो आइए देवी के सागर में हम भी गोता लगाते हैं और प्यारे भजनों का आनंद उठाते हैं। जी।
पुराणों में उल्लेख है, अगर आप पुराण पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पे बताया गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है रजस गुण के साथ, और विष्णु भगवान पालनकर्ता, इस धरती का पालन करते हैं तमस गुण के साथ या फिर सत्व गुण के साथ। जो भी गुण आप उनको देंगे, सभी गुण एक ही ओर इशारा करते हैं, और वह है महामाया। महामाया तीन रूप हमारे सामने, तीन रूपों में आते हैं, वह है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आइए तीनों रूपों और तीनों रूपों के अलग अलग रूप को हम याद करते हैं, उनका हम स्मरण करते हैं, वो भी भोजपुरी भाषा में। कवन देविया हो, कवन देविया हो, कवन देविया हो, कवन कवन देवी बजेनी, कवन देवी
माता को स्मरण करना है, माता को प्रसन्न करना है, तो एक बहुत ही साधारण तरीका है, वह है भक्ति। आप भक्ति के जरिए माता को प्रसन्न कर सकते हैं। उनका गुणगान कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको आप सजाइए, उनको आप प्रसाद चढ़ाइए, उनको आप चुनरी चढ़ाइए, जो जो माँ प्रसन्न करते हैं उन सब चीज़ों को आप माता को चढ़ाइए। और माता का काम है पोषण करना, वह भक्तों का पालन पोषण करती है, भक्तों से प्रेम करती है। यह नहीं देखती कि आप कौन है, छोटे हैं या बड़े हैं, आपका ज्ञान किस प्रकार है। माता तो अपने संतान से प्यार करती है। आइए सभी शक्तियों को एक रूप में डालकर माता दुर्गा को हम स्मरण करते हैं और इस भक्ति में सागर में एक बार फिर से गोता लगाते हैं। Yeah.
बाप दादे ने हमेशा बोला है कि जब भी माता दुर्गा की पूजा हम करते हैं, नवरात्रि आती है, पहले घर को सजाया जाता है, साफ सुथरा रखते हैं, फिर कलश स्थापना होती है, 9 दिनों के लिए हम व्रत धारण करते हैं। व्रत उपवास। उपवास दो शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, उप और वास। उप का मतलब है समीप बैठना, वास का मतलब रहना, समीप रहना। किन के समीप रहना? माता के समीप रहना, ब्रह्म के समीप रहना, भगवान के समीप रहना। और उपवास करते समय आप व्रत धारण करते हैं। व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ है सिद्धांत, डिसिप्लिन। मतलब आप एक नियम के साथ अपने जीवन को आप चलाएंगे 9 दिनों के लिए। आप क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसी को हम उपवास करते हैं। उपवास करते समय आप व्रत धारण करते हैं और माता दुर्गा की याद में हम लग जाते हैं, उनकी पूजा हम करते हैं, उनका स्मरण हम करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। आइए इस साल की नवरात्रि के लिए हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध रखते हैं और व्रत धारण करके हम उपवास रखते हैं। कैसे जय राम अब मैया, वीरवा।
जगत गुरु शंकराचार्य ने साफ साफ संस्कृत शब्दों में लिखा है कि न मंत्रो नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो। हे माँ, मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, योग नहीं जानता हूँ, आपको किस तरह से पुकारना चाहिए ये सब नहीं जानता हूँ, सिद्धांत नहीं जानता हूँ, विधियाँ नहीं जानता हूँ। माँ, आपको बस मैं प्यार करता हूँ और इसी प्यार के जरिए, इसी प्रेम के सहारे मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। आइए इसी भाव के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम माता को हम याद करते हैं। अगले भजन में आप भाव के सागर में डूब जाते हैं। कहा जाता है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो खीर पूड़ी फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप सोचेगा कि जिस गाय के दूध से खीर बनता है उसी गाय के दूध को लेकर आप भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं, तो गाय का जो बचरा है वो क्या पिएगा? सोचने वाली बात है, प्रश्न चिन्ह है सामने। इसी प्रश्न चिन्ह पर आप लोगों को छोड़ते हैं, भक्ति भाव में आप लोगों को इस भक्ति के सागर में ले जाते हैं और कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, लेकिन कार्यक्रम के अंत में जरूर इस गाने में आप लोग डूब जाएगा। हमारी ओर से, MBC की ओर से आप सभी को नवरात्रि मंगलमय हो।